तो दोस्तों आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है संगीता रोशन। YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, वो भी ढाबा स्टाइल। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली और कढ़ाई में गरम तेल डाला, गरम हो रहा है तेल अब। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, 4 से 5 दाने, और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे और अदरक डालेंगे थोड़े से पीसेस। अब ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर और अब हम इसको थोड़ी देर सॉटे कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसको कड़छी से चलाएंगे अच्छे से थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ये भुन रहा है हल्का हल्का, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको हम भुनते रहेंगे। तो ये अब भुन रहा है। अब हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर, तो टमाटर अब डालेंगे हम, तब तक ये थोड़ा सा इसको हम भुनने देंगे थोड़ा सा गैस के ऊपर। अब ये देखिए ये भुन रहा है, अब इसमें हमने टमाटर भी डाल दिए हैं ऊपर से। अब थोड़ा सा वेट करेंगे 5 मिनट, इसको चलाते रहेंगे ऐसे ही, और जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते थोड़े टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँ थोड़े से, क्योंकि हम इसके बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे मिक्सी में पीस करके। तो अब इसको हम चला रहे हैं अच्छे से और ये अच्छे से भुन रहे हैं। अब ये देखिए ये सॉफ्ट होने लग गया है दोस्तों। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा है, ये आपको देखने में पता चल रहा होगा। और थोड़ा सा इसको भुनते रहेंगे अभी, और बस ये हमने गैस बंद कर दी है और इसको अब हम थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। ये देखिए हमने पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और ये तेल को थोड़ा गर्म होने दिया, फिर हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। अब इसमें ज़ीरा डल रहा है, ये गर्म हो रहा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा वो धनिया पे वो डालेंगे पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली, और रेड चिली डाल दिया है अब हमने इसमें। अब हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, अब हम इसके बाद इसको फिर से चलाएंगे अच्छे से। ये देखिए इसमें कलर आ रहा है बढ़िया सा, लाल लाल कलर आ रहा है इसके अंदर। और थोड़ा सा इसको हल्का सा भुनने देंगे अभी, और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था मिक्सी में, हम वो सारा का सारा पेस्ट डाल देंगे, प्याज लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था सॉटे करने के बाद, और टमाटर भी डाले थे हमने इसके अंदर। तो अब ये डाल दिया है अब हमने, अब इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे डालने के बाद, और हल्का सा इसमें बस चलाते जाएंगे। देखिए ये मिक्स हो रहा है इसके अंदर मसाला और पूरी ग्रेवी जो है उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये देखिए मिक्स हो गया है, ये थोड़ा सा आँच को सिम पे कर लेंगे और अब इसको चलाएंगे ताकि अच्छे से धीरे धीरे ये जो मसाला है ये हमारा भुन जाए। इसी से आपके मटर पनीर में बढ़िया वाला स्वाद आएगा। नॉर्मली तो सब खाते हैं मटर पनीर जो सिंपल तरीके से बनती है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, और मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ, आप कोई सा भी नॉर्मल नमक डाल सकते हैं। तो अब ये इसमें भुन रहा है, अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि जो ग्रेवी है ये थोड़ा थिक है, इसलिए अब इसमें हमने हल्का सा पानी डाला है। अब इसको चलाएंगे हम अच्छे से 5 मिनट, इसको चलाते रहेंगे ऐसे ही धीरे धीरे ताकि ये जले ना, कढ़ाई ना पकड़े। तो अब ये इसके अंदर हम इसको ढक देंगे अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए ढक के। अब ये देखिए इसमें उबाल आना लग गया है, तो अब उबाल आने के बाद हम इसमें इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे उतनी ही आपकी ग्रेवी बढ़िया बनेगी। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर। तो आजकल दोस्तों मटर बहुत महंगे हो गए हैं, तो मैं फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ, आप नॉर्मल मटर भी डाल सकते हैं क्योंकि आजकल ईजीली यही अवेलेबल है, तो इसलिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ पनीर। तो अब हमने इसमें पनीर डाल दिया, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते करते अब इसको हम चलाते रहेंगे अच्छे से, और ये देखिए अब इसको हम चला रहे हैं अच्छे से,
मटर के साथ पनीर की सब्जी बनाने का मज़ा ही कुछ और है। लोग मटर के साथ आलू भी खाते हैं, लेकिन मटर के साथ जब पनीर बनता है तो उसका स्वाद ही अलग आता है। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मटर के बिना पनीर अधूरा है और पनीर के बिना मटर अधूरा है। तो दोनों की मिक्स सब्जी बनाएं और स्वाद लें उसका अच्छे से। तो ये देखिए अब हम चला रहे हैं इसको अच्छे से। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना भी हो सकता है सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ आपका मन करता है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसके लाइक्स बढ़ाएं और व्यूज़ भी बढ़ाएं। अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा गरम मसाला, और गरम मसाला डाल दिया और थोड़ा सा हमने भून के रख लिया था कसूरी मेथी, अब उसको हम थोड़ा सा क्रश करके डाल रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा और डाल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि कसूरी मेथी डालने से फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है। लोग वैसे धनिया भी डालते हैं, बट इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, मैं धनिया नहीं डालूँगी इसमें। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा चलाएंगे अच्छे से, और ये ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी जो है पूरा बन चुकी है सब्जी। थोड़ा इसको 10 से 15 मिनट के लिए सिम पे करके हम ढक के रख देंगे, और फिर जब उसके बाद निकालेंगे तो देखिए ये इसका शक्ल कैसी हो गई है, बहुत बढ़िया लग रहा है ये मटर पनीर। और बस इसको थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई ना जले, आई मीन टू से सब्जी ना जले। तो बस अब ये बनने वाला है ऑलमोस्ट। अब ये देखिए हमारी मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। धन्यवाद दोस्तों।